इसराइल और हमास के बीच एक साल से चल रही जंग की आग पूरे मिडिल ईस्ट में तेजी से फैल रही है। गाजा पट्टी पर हमास के साथ जंग लड़ने के साथ ही इसराइल ने अब लेबनान और ईरान पर भी सीधे हमले शुरू कर दिए और इन हमलों के बीच आज यानी शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इसराइल के हमले में मारा गया हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला, जिसे आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई तेहरान में बोलेंगे, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई को सीक्रेट जगह शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद वो अब पहली बार खामेनेई सामने आएंगे और संबोधित करेंगे। इसके अलावा आज का दिन इसलिए भी खास होगा क्योंकि ईरान के हमले के 3 दिन बाद भी इसराइल अब तक पलटवार को लेकर चुप है। ऐसे में खामेनेई के बयान के बाद इसराइल क्या करेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, तब 24 घंटे में ही इसराइल ने हमला शुरू कर दिया था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अब ऐसा क्या हो गया कि इसराइल ईरान से मिसाइल हमले का बदला नहीं ले रहा। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के मुख्यालय को इसराइल ने जमींदोज कर दिया था। कहा जा रहा है कि इसी हमले में शनिवार को नसरल्ला की मौत हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तक नसरल्ला के शव को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। अब जब नसरल्ला का शव सामने नहीं आया तो फिर दफनाया किसको जाएगा। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कतर के माध्यम से अमेरिका को मैसेज भेजा है। अमेरिका को भेजे गए मैसेज में ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो अब की बार ऐसा पलटवार होगा जैसा उसने सोचा नहीं होगा। कहा जा रहा है कि दुनिया भले ही इसराइल के ईरान पर हमले का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बीच इसराइल ने हिजबुल्ला चीफ को मारकर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया जहां पर मुश्किलें भरनी तय हैं। इसकी बड़ी वजह हिजबुल्ला के हथियार हैं, जिसमें रॉकेट और मिसाइलें भी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिसकी मदद से हिजबुल्ला इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। IDF ने दावा किया है कि उसने लेबनान में अब तक 200 ठिकानों पर हमला किया है। साथ ही दक्षिणी लेबनान के लोगों को कई गांव खाली करने का मैसेज भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि 1980 के दशक में हिजबुल्ला इसराइल के विरोध में प्रमुखता से उभरा, जिसकी सेनाओं ने देश के 1975 से 1990 के गृह युद्ध के दौरान दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया और फिर हिजबुल्ला के आतंकियों ने लेबनान में इजरायली और अमेरिकी सेना पर घातक हमले किए। जब साल 2000 में इसराइल की सेना लेबनान से हटी तो हिजबुल्ला ने उन्हें बाहर निकालने का श्रेय लिया। इसराइल ने बुधवार देर रात मध्य बेरूत की एक इमारत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और इन लोगों को हिजबुल्ला का सदस्य बताया गया है। इसराइल सितंबर के अंत से ही देश के उन क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा है जहां उग्रवादी समूह हिजबुल्ला की मजबूत उपस्थिति है, लेकिन राजधानी बेरूत के मध्य क्षेत्र को शायद ही कभी निशाना बनाया गया हो। बुधवार देर रात हुए हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, जिसमें मध्य बेरूत में एक इमारत को निशाना बनाया गया। ये इमारत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद से ज्यादा दूर नहीं है। और आज जब नसरल्ला का जनाजा निकलेगा, अंतिम संस्कार होगा, उस वक्त पर अली खामेनेई पहली बार सामने आएंगे और अपना संबोधन देंगे, तो उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन सा बड़ा ऐलान आज खामेनेई कर सकते हैं।